नमस्कार, मैं प्रिया धराधर, 30 खबरों में आपका स्वागत है। चले जानते हैं देश प्रदेश की अब तक की प्रमुख खबरों को। कोरोना वायरस के ओमिक्रॉन वेरिएंट के बढ़ते संक्रमण को रोका नहीं जा सकता है। केरल में कोविड 19 संक्रमण को लेकर बनी विशेषज्ञों की एक कमेटी के चिकित्सक ने ये बात कही है। कमेटी में शामिल डॉक्टर डीएस अनीश ने यह भी बताया है कि नए वेरिएंट के केस हर दो दिन में डबल हो जा रहे हैं। न्यूज एजेंसी एनआई से बातचीत में डॉक्टर अनीश ने कहा कि ग्लोबल ट्रेंड से यह पता चलता है कि 2-3 हफ्तों में ओमिक्रॉन के केस 1000 तक पहुंच जा रहे हैं और हो सकता है कि 2 महीने में 1 मिलियन पहुंच जाए। भारत में संक्रमण के विस्फोट को रोकने के लिए हमारे पास 1 महीने से ज्यादा का वक्त नहीं है। कैबिनेट मंत्री हरक सिंह रावत के इस्तीफे के बाद भाजपा प्रदेश अध्यक्ष मदन कौशिक ने कहा है कि भाजपा में ऑल इज वेल है। कहा है कि रावत कोटद्वार मेडिकल कॉलेज पर नाराज है, लेकिन कैबिनेट में संस्तुति के बाद अब उनका गुस्सा भी खत्म हो गया है। इससे पहले उत्तराखंड कांग्रेस के सूत्रों ने दावा किया था कि भाजपा के कई विधायक और मंत्री पार्टी के संपर्क में हैं और सभी जल्द ही कांग्रेस पार्टी को ज्वाइन कर लेंगे। कांग्रेस सूत्रों की माने तो भाजपा के कई विधायकों के नेता प्रतिपक्ष प्रीतम सिंह के साथ मुलाकात भी हुई थी। पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी को गोवा में बड़ा सियासी झटका लगा है। पूर्व विधायक लवु मामलतदार सहित तृणमूल कांग्रेस के 5 नेताओं ने पार्टी से इस्तीफा दे दिया है। ममता के नाम लिखे अपने पत्र में उन्होंने कहा है कि हम ऐसी पार्टी के साथ नहीं रहना चाहते जो गोवा को बांटने की कोशिश कर रही है। इस्तीफा देने वालों में लवु मामलतदार के अलावा राम मांजरेकर, किशोर परवार, कोमल परवार और सुजय मलिक का नाम शामिल है। उन्होंने कहा है कि हम टीएमसी के इस उम्मीद के साथ शामिल हुए थे कि ये गोवा और गोवा वासियों के लिए उज्जवल दिन लाएगी, लेकिन यह दुर्भाग्यपूर्ण है कि टीएमसी गोवा और गोवा के लोगों को नहीं समझ पाई है। टीम इंडिया के पूर्व कप्तान महेंद्र सिंह धोनी भी क्रिसमस डे सेलिब्रेशन कर रहे हैं। सेलिब्रेशन की एक इनसाइड फोटो सामने आई है। धोनी की पत्नी साक्षी धोनी ने इंस्टाग्राम स्टोरी पर एक वीडियो शेयर किया है जो डिनर टेबल की है। वीडियो में धोनी की बेटी भी नजर आ रही है। उनके पास क्रिसमस ट्री भी सजा हुआ रखा हुआ है। ऐसा लग रहा है कि साक्षी और धोनी अपने अंदाज में क्रिसमस मना रहे हैं। बॉलीवुड के महानायक अमिताभ बच्चन ने क्रिसमस पर फैंस को शुभकामनाएं दी हैं। अमिताभ बच्चन ने खुद की एडिट की हुई तस्वीर सोशल मीडिया पर शेयर की है जिसमें वो सांता क्लॉज लुक में नजर आ रहे हैं। अमिताभ बच्चन की लंबी सफेद दाढ़ी और रेड आउटफिट काफी कूल लग रही है और उनके इस पोस्ट पर फैंस का भी रिएक्शन आना शुरू हो गया है। ज्यादातर फैंस को अमिताभ बच्चन का ये सांता क्लॉज लुक काफी पसंद आ रहा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए गुजरात के कच्छ में गुरुद्वारा लखपत साहिब में आयोजित गुरु परब समारोह को संबोधित करेंगे। ये कार्यक्रम दोपहर बाद 12:30 बजे से शुरू हुआ। हर साल 23 दिसंबर से 25 दिसंबर तक गुजरात के सिख लखपत साहिब गुरुद्वारे में गुरु नानक देव जी का गुरु पर्व मनाते हैं। गुरु नानक देव जी अपनी यात्रा के दौरान लखपत गुरुद्वारा साहिब में रुके थे। गुरुद्वारा लखपत साहिब में उनकी कुछ वस्तुएं रखी हुई हैं जिनमें खड़ाऊ, पालकी और पांडुलिपियां शामिल है। ओमिक्रॉन वेरिएंट भारत में तेजी से पैर पसार रहा है। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय ने बताया है कि 10 चिन्हित राज्यों में बहु अनुशासनिक केंद्रीय टीमों को तैनात करने का निर्णय लिया गया है। वो ये राज्य हैं जिनमें से ओमिक्रॉन और कोविड 19 के मामलों की संख्या बढ़ रही है या धीमी टीकाकरण गति देखने को मिल रही है। अब तक कोरोना वायरस संक्रमण के सबसे तेज फैलने वाले वेरियंट के देश भर में 415 मामले सामने आ चुके हैं। भारत में ओमिक्रॉन अब तक 17 राज्यों में पहुंच चुका है। महाराष्ट्र में 100 से ज्यादा मामले ओमिक्रॉन के सामने आ चुके हैं। वहीं दिल्ली में भी आंकड़ा 79 पर पहुंच गया है। स्वास्थ्य मंत्रालय के मुताबिक अब तक 115 लोगों ओमिक्रॉन को मात भी दे चुके हैं। दिसंबर का महीना खत्म होने की तरफ है और ठंड में भी चरम पर देखी जा रही है। जहां देखो वहां लोग अपने काम को छोड़कर हाथ सेकते हुए नजर आ रहे हैं। वहीं नौकरी पेशे वाले लोगों के लिए इतनी ठंड में सरवाइव करना भी मुश्किल हो रहा है। इस बीच बारिश होने की जानकारी सामने आई है जिससे ठंड में और इजाफा होगा। वहीं 25 दिसंबर यानी क्रिसमस डे आज के दिन मौसम काफी सर्द रुख अपनाता हुआ दिख रहा है। वहीं आज पश्चिमी यूपी सहित प्रदेश के कई हिस्सों में सुबह की शुरुआत ही कोहरे के साथ हुई, हालांकि अब हल्की धूप नजर आ रही है। देश में ओमिक्रॉन वेरिएंट के मामले तेजी से बढ़ रहे हैं। इसको लेकर जहां सरकार सतर्क है, वहीं जानकार इस बात के लिए आगाह कर चुके हैं कि 1.5 से 3 दिन के भीतर इसके मामले दोगुने होंगे। अब उनकी कही गई बातें सच होती हुई दिखाई दे रही है। शुक्रवार को 33 नए मामले सामने आने के बाद देश में ओमिक्रॉन के कुल मामलों की संख्या 415 तक पहुंच गई है। इस दौरान तेलंगाना में ओमिक्रॉन से संक्रमित 10 मरीज ठीक भी हुए हैं। भारत में कोरोना वायरस के नए वेरिएंट ओमिक्रॉन को लेकर चिंता बढ़ती जा रही है। इसके देश में मामले भी बढ़ते जा रहे हैं और अलग अलग राज्यों के विशेषज्ञों द्वारा आगे की चुनौतियों पर गंभीरता से काम करने की चेतावनी दी जा रही है। बता दें कि देश में अब तक ओमिक्रॉन के मामलों की संख्या बढ़कर 400 के पार पहुंच गई है जिनमें से 124 मरीज ठीक भी हो चुके हैं। इस बीच कोविड विशेषज्ञ समिति के सदस्य डॉक्टर टीएस अनीश ने कहा है कि ओमिक्रॉन के मामलों की संख्या 2-3 सप्ताह में 1000 तक पहुंचने के आसार हैं।
केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय के द्वारा शनिवार को जारी आंकड़ों के अनुसार एक दिन में 7189 लोगों ने कोरोना वायरस संक्रमण के लिए सकारात्मक परीक्षण किया है। इसके साथ ही भारत में कोविड 19 मामलों की कुल संख्या बढ़कर 3,47,79,815 पर पहुंच गई है, जबकि सक्रिय मामलों की कमी आई है और ये अब 77,032 हो गया है। सुबह 8 बजे अपडेट किए गए आंकड़ों के अनुसार 387 लोगों की कोरोना वायरस के कारण जान चली गई है। इसी के साथ जान गंवाने वालों की संख्या बढ़कर 4,79,520 हो गई है। पूर्व प्रधानमंत्री भारत रत्न स्वर्गीय अटल बिहारी वाजपेयी की आज जयंती है। इस अवसर पर अलग अलग राज्यों में कई आयोजन किए जा रहे हैं। दिल्ली में राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी की जयंती पर सदैव अटल समाधि स्थल पर उन्हें पुष्पांजलि दी। भाजपा साल 2014 से अटल जी के जन्मदिन को सुशासन दिवस के रूप में मनाती आई है। अटल बिहारी वाजपेयी की आज 57वीं जयंती है। यूरोप और अमेरिका समेत विश्व में कई देशों में कोरोना संक्रमण के बढ़ते मामलों के बीच केंद्र सरकार ने लोगों को सावधान किया है। सरकार ने शुक्रवार को कहा है कि विश्व कोरोना महामारी की चौथी लहर की चपेट में है और हमें भी बेहद सतर्क रहने की जरूरत है। खासकर क्रिसमस और नए साल का जश्न मनाते हुए सरकार ने ये बातें ऐसे समय में कही है जब देश में भी ओमिक्रॉन वेरियंट के मामले बहुत तेजी से बढ़ रहे हैं और बूस्टर डोज लेने वाले भी इसकी चपेट में आ रहे हैं। दिल्ली की कड़डुमा कोर्ट ने बड़ा फैसला लिया है। अदालत ने यस बैंक के पूर्व मुख्य कार्यकारी अधिकारी और सह संस्थापक राणा कपूर पर आधारित पुस्तक द बैंकर हु क्रश्ड हिज डायमंड्स द यस बैंक स्टोरी के प्रकाशन बिक्री वितरण पर रोक लगा दी है। राणा कपूर ने दीवानी वाद दायर करते हुए दावा किया है कि यह पुस्तक उनके जीवन पर आधारित है और इसमें उनके संबंध में झूठे आरोप लगाए गए हैं। अब उनके खिलाफ चल रही जांच पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ सकता है। पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी की जयंती के अवसर पर भाजपा ने देश भर के लोगों से अंशदान लेने का फैसला किया है। भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा ने इस बाबत पार्टी के सभी नेताओं और कार्यकर्ताओं को पत्र लिखकर इसमें शामिल होने की अपील की है। यह अंशदान 5 रुपए से लेकर 1,000 रुपए तक होगी। जानकारी के मुताबिक इस कार्यक्रम की शुरुआत औपचारिक तौर पर नड्डा ने की है। उन्होंने अंशदान के रूप में 1,000 रुपए की राशि देकर इस पहल की शुरुआत की। उत्तराखंड में होने वाले विधानसभा चुनाव के मद्देनजर उत्तराखंड कांग्रेस में चल रहे घमासान के बीच अब सब ठीक होने की बात कही जा रही है, जहां शुक्रवार को दिल्ली में कांग्रेस हाईकमान के साथ बैठक करके वापस लौटे पूर्व सीएम हरीश रावत के सुर बदले बदले नजर आ रहे हैं। इस दौरान उन्होंने अपनी नाराजगी पर क्रिकेट का उदाहरण देते हुए बताया है कि विश्वास और समझ का रिश्ता होना चाहिए। भारत और साउथ अफ्रीका के बीच कल से टेस्ट सीरीज शुरू होने जा रही है, लेकिन मैच से पहले राहुल द्रविड़ ने विराट कोहली को लेकर बड़ा बयान दिया है। राहुल द्रविड़ का कहना है कि विराट की वजह से टीम ने फिटनेस को लेकर एक नई सोच पैदा हुई है। इसका पूरा वीडियो बीसीसीआई ने सोशल मीडिया पर शेयर किया है। इस वीडियो में राहुल द्रविड़ कहते हैं कि जब विराट कोहली ने खेलना शुरू किया तब मैंने उन्हें देखा था, उनके साथ मैंने बल्लेबाजी भी की है। पश्चिम बंगाल में 2 मई 2021 को मतदान के नतीजे न केवल राज्य में बल्कि राष्ट्रीय राजनीति में भी गेम चेंजर साबित हो सकते हैं। बंगाल में भाजपा की हार निश्चित रूप से भारतीय जनता पार्टी के लिए एक बड़ा सबक है। पार्टी के शीर्ष नेतृत्व की बड़ी उपस्थिति के बावजूद ममता बनर्जी ने मोदी शाह की जोड़ी की नाक के नीचे के अकेले दम पर ही पार्टी को बड़ी जीत दिला दी। राज्य की 294 सदस्यीय विधानसभा में तृणमूल कांग्रेस को 215 सीटें मिली और सरकार बनाने का सपना देख रही भाजपा को सिर्फ 77 सीटें ही मिली। साल 2021 खत्म होने में केवल एक हफ्ते का समय बचा है, ऐसे में लोग नए साल के लिए काफी ज्यादा एक्साइटेड हैं, लेकिन कुछ काम है जिन्हें निपटाना आपके लिए बेहद जरूरी है। इन कामों को आप 31 दिसंबर से पहले कर ले, क्योंकि ऐसा नहीं करने पर आपको भारी नुकसान उठाना पड़ सकता है, यहां तक कि आपको लाखों का नुकसान हो सकता है। हम बात कर रहे हैं ईपीएफओ ई नॉमिनेशन की, जो अगर आपने अभी तक नहीं करवाया है तो जल्दी करें। सुपर मॉडल और एक्टर मिलिंद सोमन सोशल मीडिया पर काफी एक्टिव रहते हैं। वो अक्सर किसी ना किसी वजह से चर्चा में रहते हैं, लेकिन आज हम उनके बारे में नहीं बल्कि उनकी पत्नी अंकिता कोमवर के बारे में बात कर रहे हैं। दरअसल अंकिता का एक पोस्ट सामने आया है जिसमें उन्होंने डिप्रेशन को लेकर बात कही है। उनका ये पोस्ट अब चर्चा का विषय बना हुआ है। अंकिता का ये पोस्ट देखकर उनके फैंस काफी परेशान है। दिल्ली मेट्रो को 19 साल पूरे हो गए हैं, वहीं 20वें वर्ष के मौके पर यात्रियों के लिए नई तकनीक के साथ सुविधाओं में भी इजाफा किया जा रहा है। इसी के तहत दिल्ली मेट्रो की रेड लाइन शहीद स्थल रुठाला पर शुक्रवार को पहला स्वदेशी देश में विकसित ऑटोमेटिक ट्रेन सुपरविजन टेक्नोलॉजी IATS का फील्ड ट्रायल शुरू किया गया। इस IATS टेक्नोलॉजी का विकास TMRC और BEL द्वारा संयुक्त रूप से किया गया और इसे रेड लाइन पर क्रियान्वित किया जा रहा है। दिल्ली के डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया के घर के बाहर गेस्ट टीचर्स का हंगामा देखने को मिला। आपकी जानकारी के लिए आपको बता दें, ये धरना सभी गेस्ट टीचर को स्थायी नौकरी देने की मांग पर की जा रही थी। 25 दिसंबर यानी आज पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी की जयंती पर सुशासन दिवस कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इन कार्यक्रम को संबोधित करते हुए गृहमंत्री अमित शाह ने केंद्र की सत्तारूढ़ भाजपा सरकार की जमकर तारीफ की। गृहमंत्री ने कहा कि मोदी सरकार अब तक भ्रष्टाचार के एक भी आरोप इन पर नहीं लगे हैं। मोदी सरकार ने स्वराज को सुराज में बदलकर दिखाया है।
पूरा उत्तर भारत शीतलहर से जूझ रहा है। पहाड़ों से आ रही बर्फीली हवाओं के असर से जबरदस्त ठंड बढ़ रही है। वहीं भारतीय मौसम विज्ञान विभाग की तरफ से कल यानी कि शुक्रवार को राहत वाली खबर मिली है। मौसम विभाग के अनुसार 5 जनवरी 2022 तक भारत के ज्यादातर हिस्सों में शीतलहर का प्रकोप घटने लगेगा, जिससे आने वाले कुछ दिनों में ठंड से राहत तो जरूर मिलेगी। लेकिन मौसम विभाग ने शीतलहर के दूसरे दौर की शुरुआत की भी चेतावनी जारी की है, जिससे 5 जनवरी के बाद फिर से ठंड बढ़ने के आसार है। वहीं मौसम विभाग ने पश्चिमी विक्षोभ के असर से 27 दिसंबर को देश के कुछ राज्यों में बादल छाए रहने का अनुमान लगाया है। ओमिक्रॉन के बढ़ते मामलों के बीच महाराष्ट्र सरकार ने पाबंदियां बढ़ाने का फैसला किया है। यही वजह है कि आज सरकार ने नई गाइडलाइन जारी की है। गाइडलाइन में शादी समारोह, पार्टी आदि से संबंधित दिशा निर्देश जारी किए गए हैं। गाइडलाइन में इस बात का खास उल्लेख किया गया है कि 5 लोगों से ज्यादा एक जगह पर इकट्ठा नहीं हो सकते। इसकी वजह साफ साफ यह है कि सरकार भीड़ पर नियंत्रण करना चाहती है। देश में ओमिक्रॉन वायरस के 415 मामले सामने आ चुके हैं। केरल में कोविड 19 संक्रमण को लेकर बनी विशेषज्ञों की एक कमेटी के चिकित्सक ने कहा है कि कोरोना वायरस के ओमिक्रॉन वेरिएंट के बढ़ते संक्रमण को रोका नहीं जा सकता था। इसी कमेटी के डॉक्टर अनीस ने कहा है कि एक स्टडी के अनुसार कोरोना की तीसरी लहर जनवरी में शुरू हो सकती है और ओमिक्रॉन वेरिएंट इस लहर का प्रमुख कारण हो सकता है। हालांकि उन्होंने कहा है कि मुझे उम्मीद है कि हमारे पास इस बार गंभीर रूप से बीमार रोगियों की संख्या दूसरी लहर जैसी नहीं होगी, लेकिन हमें पहले से ही तैयार रहने की जरूरत है। भारतीय टीम के दिग्गज खिलाड़ी और दुनिया के सबसे सफल स्पिनर्स में शुमार हरभजन सिंह ने शुक्रवार को क्रिकेट से संन्यास लेने का ऐलान किया। हरभजन सिंह ने करीब 23 साल तक क्रिकेट के सभी फॉर्मेट में अपनी बेहतरीन गेंदबाजी से धूम मचाई है। उनके संन्यास की खबर के बाद क्रिकेट जगत के तमाम दिग्गज अपने अपने अंदाज में हरभजन को भविष्य के लिए शुभकामनाएं दे रहे हैं। भारतीय टीम के हेड कोच राहुल द्रविड़ और विराट कोहली इस ऐलान के बाद भावुक नजर आए। उन्होंने एक वीडियो मैसेज के जरिए स्टार स्पिनर को भविष्य के लिए शुभकामनाएं दी। नासा क्रिसमस के दिन यानी कि आज फ्रेंच गुयाना स्थित कोराउ लॉन्च स्टेशन से दुनिया का सबसे बड़ा और ताकतवर जेम्स वेब स्पेस टेलीस्कोप लॉन्च करते देखी गई। नासा के प्रशासक बिल नेल्सन ने बताया है कि यह एक असाधारण मिशन है। इसे एरियन 5 ECA रॉकेट की मदद से अंतरिक्ष में भेजा जाएगा। ट्रक के आकार के इस टेलीस्कोप को पृथ्वी से करीब 15 लाख किलोमीटर की ऊंचाई पर स्थापित करने का उद्देश्य ब्रह्मांड में और समय से आगे पीछे देखना है। इसे मीलों प्रकाश वर्ष दूर मौजूद आकाशगंगा, एस्ट्रॉइड, ब्लैक होल और एलियंस के दावों पर खोज में मदद मिलेगी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने स्वतंत्रता सेनानी पंडित मदन मोहन मालवीय की जयंती पर शनिवार को उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित की। उन्होंने उन्हें एक महान शिक्षाविद और समाज सुधारक बताया है। प्रधानमंत्री ने एक ट्वीट में कहा कि महान स्वतंत्रता सेनानी, शिक्षाविद और समाज सुधारक महामना पंडित मदन मोहन मालवीय जी को उनकी जयंती पर कोटि कोटि नमन। अगले साल उत्तर प्रदेश में विधानसभा चुनाव का आयोजन होना है, जिसमें भाजपा और जदयू एक साथ उतरने वाली है। इसको लेकर जदयू के राष्ट्रीय अध्यक्ष ललन सिंह ने बीते दिन ही अपना बयान जारी किया है, जिसके तहत उन्होंने साफ कहा है कि भाजपा के साथ उत्तर प्रदेश चुनावी मैदान में उतरने के लिए जदयू राजी हो गई है, जिसके बाद उम्मीद यही जताई जा रही है कि आने वाले समय में दोनों पार्टी एक साथ चुनावी मैदान में उत्तर प्रदेश में नजर आएगी। कल हमारे द्वारा पूछे गए सवाल का जवाब आप में से बहुत सारे यूजर ने हमें कमेंट करके दिया था, उसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आप में से जिन यूजर का कमेंट हमें अच्छा लगा है उनके नाम है निशु कुमारी, नन्नू कुमार, सचिन कुमार, जितेंद्र ठाकुर, अनिल आलोक, जितेंद्र कुमार, प्रवीण कुमार, प्रवीण सिंह, मोहम्मद अजमेर, सुधांशु कुमार, बजरंगी कुमार, छोटू कुमार, एहसन एहसन, रहमानी उर्दू। इसके अलावा हमारी टीम को और भी लोगों के जवाब अच्छे लगे हैं, मगर समय के अभाव के कारण हम उनका नाम नहीं ले पाए, लेकिन आप हमारे सवालों का जवाब देते रहे, हम कल आपका नाम लेने की पूरी कोशिश करेंगे। तो चलिए बढ़ते हैं आज के सवाल की ओर। आज का सवाल कुछ इस प्रकार है, आपके अनुसार ओमिक्रॉन के बढ़ रहे मामलों के बीच क्या राज्यों के बीच आवाजाही पर रोक लगा देनी चाहिए या नहीं? अपने जवाब में कमेंट करके जरूर बताएं। इसके साथ ही आज के लिए बस इतना ही। देश प्रदेश की तमाम बड़ी खबरों से जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन दबाना ना भूलें। धन्यवाद।